तो भाई और बहनों, मैं आज आप लोगों के लिए नया वीडियो लाया हूँ। क्लास 11 क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी में आयनाइजेशन एनर्जी की एक शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें क्या करना है हम लोगों को कि प्रॉब्लम आती है कि किसी भी हम लोगों को गैसेस एटम है, एटम्स रहते हैं, उनको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है वर्ड एक सीक्वेंस में। तो उसको अरेंज करने में हमको बहुत सारे लेंथी मेथड्स होते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लाया हूँ। तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे हमारे पास जैसे कार्बन की 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये लास्ट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है कार्बन की, ये 2p2 है, नाइट्रोजन की 2p3, ऑक्सीजन की 2p4, फ्लोरीन की 2p5। तो अब हमारे पास ट्रिक क्या है कि जो इसकी जो NS1 जो होता है वो सबसे कम है, मतलब जो इनमें से जो सबसे वैल्यू है कम है ना, वो NS1 की है, फिर उससे ज्यादा NP1 की, फिर NH2 की उससे ज्यादा, फिर NP2 की उससे ज्यादा, फिर NP4 की उससे ज्यादा, NP3 की उससे ज्यादा, NP5 की उससे ज्यादा, और NP6 की सबसे ज्यादा। तो अब इसको हम लोग ना सबसे पहले अरेंज करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग को पता है आयनाइजेशन एनर्जी मतलब किसी भी एक एलिमेंट से उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालना। तो देखते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2p1। इससे एक निकालेंगे क्या बनेगा, 2p4। इससे एक निकालेंगे तो बनेगा क्या, 2p5 3, और इससे बनेगा 2p4, है ना। अब देखते हैं कि हमारे जैसे इस ट्रिक से किसकी वैल्यूज आगे पीछे हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, NP4 और NP, इसकी NP2 आ जाएगी और इसकी NP4। तो अब देखते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, अब इधर NP3, तो NP3 की सबसे ज्यादा वैल्यू है तो ऑक्सीजन सबसे आगे आएगा, फिर उसके बाद है NP4 मतलब फ्लोरीन आएगा, फिर उसके बाद है फ्लोरीन के बाद NP2 मतलब नाइट्रोजन आएगा, और लास्ट में हमारा कार्बन आएगा जो कि लास्ट में। तो ये सिंपल ट्रिक थी जिससे हम लोग, इस ट्रिक को अगर याद कर लिए तो पूरा ये सॉल्यूशन हमारा एक झटके में आ सकता है। थैंक यू।